हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनक झा। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं अभी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं 9, तो हमने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। हमने एक बार चाय पी रखा है, पतिदेव ने बनाया था मॉर्निंग का चाय, और अभी मैं खुद से बना के लाई हूँ। तो सोची कि बैठ के पहले चाय को अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद खाना हमने बना लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बनाई हूँ। आज बहुत सारा काम है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ। देवरानी हमारी है नहीं, वो गई हुई है मैक के, और काम तो आज काफ़ी है। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा दूँ कि मैं क्या क्या बनाई हूँ। यहाँ पर आलू का भुजिया मैं चढ़ाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने बेसन का गट्टा वाला सब्जी बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप प्लीज़ मुझे डीएम करना, मैं ज़रूर बताऊँगी। और अभी दाल नहीं चढ़ाया, यहाँ पे आटा सान लिया। देव का टिफ़िन बना के पैक कर देते हैं। उसके बाद आज मुझे ये अलमीरा के ऊपर जो गोदाम बना हुआ है ना, ये सबको थोड़ा सा डस्ट वगैरह सबको साफ़ करना है, क्योंकि जो भी पार्सल आता है ना, पतिदेव क्या करते हैं उसे खोल के ऊपर डाल देते, खोल के ऊपर डाल देते, जो भी कुछ उनका स्टोरेज रहता है ना, सब ले के ऊपर भर देते, लैपटॉप सब कुछ, चूड़ी बॉक्स वगैरह मेरा सब कुछ, जो भी पार्सल आया हुआ था सब ऊपर ही। तो सबको आज क्लीन कर लेते हैं, और चिमनी भी साफ़ करना है। बाबू अभी सो रहा है, पूरा रूम इस तरीके से पूरा बाबू लोग का न्यू सेक्शन का बुक वगैरह में कवर वगैरह सब लगा दिए, कंप्लीट कर दिए, और बाबू अभी सो रहा है यहाँ पे। उठो मानू, अभी इसका मॉर्निंग नहीं हुआ है। ये चाय पी के मिलते हैं आपसे। और तो मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए और टिफ़िन पैक करने के लिए, क्योंकि पतिदेव का टाइम हो चुका है, और उनके टाइम से पहले मैं लंच बना के रख देती हूँ, क्योंकि वो जाने से पहले बहुत ज़्यादा मतलब कि हड़बड़ा देते हैं कि आधा उधर बुलाते, कपड़े दे दो, इधर ये दे दो, वो दे दो, तो इससे पहले मैं टिफ़िन पैक कर लूँ। तो चलिए चलते हैं रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे दोनों भाई के लिए लंच बनता था, बट अभी छोटा वाला है नहीं, वो गए हुए हैं ससुराल, तो यहाँ पे बस इनके लिए रोटी बनता है। तो मैं 10-12 रोटी बना के छोड़ देती हूँ, क्योंकि इनके जाने का टाइम रहता है, तो थोड़ा आफत आ ही रहता है। इसके लिए मैं बस इन्हीं के लायक रोटी बनाती हूँ, और बाकी के लिए जब मम्मी आती है तब बना लेते हैं, क्योंकि मम्मी भी 11 बजे तक चली ही आती है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इनका टिफ़िन पैक कर रही थी, कोई इनका टिफ़िन धोया था तो उसमें पानी था ही, मैं वो पोंछ रही थी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जाने से पहले इनका सारा कुछ पहले टाइम से करके रख दूँ, क्योंकि ये चिल्लाने लगते हैं ये कहाँ है वो कहाँ है, तो इसलिए मैं सोची कि जल्दी से पैक कर देती हूँ, बट मैं घी लगाना ही भूल गई। तो जल्दी जल्दी करके मैं यहाँ पे इनका टिफ़िन कर रही हूँ पैक। रोटी को सिल्वर फॉइल में पैक कर देने से ये होता है कि रोटी टाइट नहीं होती, और जब तक ये खाते हैं 2-2.5 बजे तक, तब तक रोटी जो है नॉर्मल रहता है, तो ये खा लेते हैं। तो यहाँ पर टिफ़िन हो चुका है, तो फाइनली यहाँ पे इनका लंच हो गया है रेडी। मैं सब कुछ रख के यहाँ पे अच्छे से पैक कर दी हूँ, और पानी भी मिला के रख देती हूँ इनका कंप्लीट। हो चुका है पैक, और बाबू अपना सारा कॉपी किताब को अरेंज कर रहा है गुड बॉय की तरह, और मैं जा रही हूँ किचन को क्लीन करने। यहाँ पे कुछ बर्तन है, पहले बर्तन वॉश कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये चिमनी वो करना है, इस पर कॉलिन डाल देते हैं, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जब तक पतिदेव नहा रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे सोची कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा जो बर्तन है उसको वॉश करके हटा लेते हैं, जितना काम निपट जाए उतना ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, इनको जाते ही जाते बच जाता है 10। इसके लिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जल्दी से कॉलिन डाल दिया, क्योंकि जब तक इसका जो तेल है ना वो फूल जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप मिक्सी भी कितना गंदा है यार, पता नहीं क्यों विंडो ना होने के कारण कि क्या बहुत ज़्यादा किचन गंदा होता है। इवन हमारा घर का रैक सब पे भी बहुत ज़्यादा धूल आ जाता है ना जाने कहाँ से, जो कि चारों तरफ से पैक है उसके बावजूद भी। तो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से कॉलिन से टाइल्स वगैरह सब पे डाल दिया, उसके बाद भी गर्म पानी से अच्छे से धोना होगा। ये देखिए इस तरह का हो गया था, 2-4 महीने हो गए थे चिमनी साफ़ किए हुए। तो चलिए यहाँ पर लगते हैं, तब तक हमने यहाँ पर दिया हुआ है पतिदेव को ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो वो यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट कम्प्लीट कर रहे हैं।
पतिदेव सबका सब कुछ हो चुका है। निकलने से पहले जब यहाँ पे पतिदेव चाबी लेते हैं तो यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी है जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, उसे प्रणाम करते हैं, चाबी लेते हैं और उसके बाद मुझे टाटा बाय बाय बोल के निकल जाते हैं। फाइनली गाइस पतिदेव चले गए ऑफिस, अब हम चले जल्दी जल्दी अपना सारा काम को करें कंप्लीट, क्योंकि बहुत ही चिमनी गंदा है, साफ ही नहीं। फिर मैं चली आई चिमनी साफ करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से पूरा टाइल्स वाइल्स पोछ लेते हैं और किचन भी क्लीन कर ही लेते हैं। जब तक मैं यहाँ पे किचन क्लीन की टाइल्स पोछ गैस की तरफ का, तब तक मम्मी के आने का टाइम हो गया, तो मैं सोची कि जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। तब सब कुछ बन चुका था, बैगन का भुजिया बाकी था, मैं सोची पहले इधर रोटी बना लेती हूँ क्योंकि आधा किचन क्लीन था आधा किचन अभी बचा हुआ था। देख रहे हैं आप जैसे आधा डब्बा वगैरह हम धो लिए थे, जब तक मैं रोटी बनाई तब तक मम्मी आ ही गई। तो मैं बाबू को ऊपर खिलाने के लिए चली आई थी क्योंकि मेरे यहाँ नॉनवेज ऊपर बनता है, तो मम्मी बैगन का भुजिया बनाए। उसके बाद मैं जल्दी से किचन क्लीन करके मैं यहाँ पे फ्रिज में लग गई क्योंकि फ्रिज भी काफ़ी गंदा था, एक एक चीज़ मतलब कि बच्चे उसमें चॉकलेट वगैरह लॉलीपॉप वगैरह रख देते हैं तो वो पूरा गल जाता है अजीब सा। तो यहाँ पर मैं सोच के जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। तो यहाँ पर मैं क्लीन करने में लग गई और फ्रिज भी बहुत ही जल्दी से क्लीन कर लिया बहुत अच्छे से। यहाँ पे मैं बैठ के सब कुछ पोछ रही थी एक एक करके, काफ़ी गंदा था। उसके बाद जब फ्रिज साफ हो जाता है गाइस तो कितना हल्का लगता है। तो चलिए दिखाते हैं, ये मेरा फ्रिज देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। कोई भी चीज़ जब साफ़ कर दो तो बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी मैं थक भी गई थी, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। अभी 2 बज रहा है और हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, अभी जस्ट 2:30 बज रहा है यार। अब मैं जा रही हूँ नहाने और नहा के आगे मेरा फोटो जो है वो टूट चुका है, इसे बनने को देना है, कल देंगे। और यहाँ पे बेटा है जो ये भी अभी तक नहाया नहीं। फाइनली गाइज हम नहा धो के खाना खा लिए और अब जा रहे थोड़ा सा रेस्ट करने, आज काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, वैसे सोएंगे क्या देखते हैं, 4 बजने वाला है, 3:30 हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, देखते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली गाइज मैं सो के उठ चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। अभी बज रहा है 6:30 और पतिदेव भी अभी तुरंत ही आए हैं ऑफिस से, तो उनको चाय जाती हूँ बना के देने के लिए, पहले पूछ लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए किस तरह से पूरा मैंने क्लीन कर रखा है, आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। सारा कुछ क्लीन हो चुका है बहुत ही अच्छे से, हमने यहाँ सारा नीट एंड क्लीन कर लिया। कुछ कुछ चीज़ बचा हुआ है जैसे कि ये बचा हुआ है फिल्टर बचा हुआ है और ये थोड़ा सा डब्बा बचा हुआ है, सब कल करूँगी। पूछ के आते हैं कि चाय पिएंगे कि नहीं। अब पे मैं चाय चढ़ाई हुई हूँ, चाय बन के हो चुका है रेडी। यहाँ पे हमारा चाय है, यहाँ बेटे को थोड़ा सा चाय बिस्किट दे देते क्योंकि शाम का टाइम उसे भी भूख लगी हुई है। और चलिए चलते हैं चाय एंजॉय करके फिर आप। फाइनली गाइस खाना वाना खाने के बाद हमने यहाँ पे लगाया कॉपी में कवर वगैरह, बाबू के नेम स्लिप वगैरह भी बाकी थे तो छोटे वाले का हो गया था, बड़े वाले का भी बाकी था तो ये थोड़ा सा हेल्प कर दिया है। और उसके बाद जो है अभी बज रहा 1:00 रात का मैं यहाँ के रात के 1:00 और सारे नोटबुक में कवर लग चुका है, बाबू को लगा हुआ है भूख। तो चलिए किचन में देखते हैं कि रात के 1:00 में क्या बना सकते हैं। किचन में आते ही लगा कि मैगी जल्दी से बन जाएगा, तो बाबू को मैगी यहाँ पे मैं बना के दे रही हूँ और खाऊंगी। उसके बाद जो है जल्दी से बेड पे जाऊँगी क्योंकि काफ़ी रात हो गया। यहाँ पर हमने मैगी चढ़ा दिया था और मैगी भी आधा से ज़्यादा कम्प्लीट हो चुका है। लगाते लगाते रात के 1:00 में मैगी खाने का एक अलग ही अंदाज होता है। तो यहाँ पे मैगी फिनिश करते उसके बाद हम लोग बिस्तर पे चलते, कल है संडे और आराम से सो के उठेंगे। चलिए चलते ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।